नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूं उर्वशी सिंह आपके साथ। आज फुकरे 3 रिलीज हो चुकी है और साथ ही इस मूवी को लेकर लोगों के रिव्यूज भी सामने आ रहे हैं। मूवी की शुरुआत में फ्लैशबैक फोटोज के साथ इस कहानी की शुरुआत होती है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहां से इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था, जहां चूचा और हनी फिर से स्कूल में पास नहीं हो पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी को पता चलता है कि भोली पंजावन चुनाव लड़ने वाली है। सबको ये पता होता है कि अगर वो इलेक्शन में जीत जाती है तो फिर से गलत काम करना शुरू कर देगी। इसलिए हनी और पंडित मिलकर भोली पंजावन के खिलाफ चूची को इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं, जिसके बाद शुरू होती है असली कहानी। इस कहानी में बहुत सी मुश्किलें, ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें अली जफर का भी कैमियो देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। वहीं अगर हम इस मूवी के एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले दोनों पार्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कभी भी अपनी ऑडियंस को निराश नहीं करते। इस मूवी में पंकज त्रिपाठी और वरुण शर्मा अपने किरदार से इस मूवी में जान डाल देते हैं। वरुण शर्मा के डायलॉग बोलने का अंदाज आपको हंसने से रोक नहीं सकता। पंकज त्रिपाठी का रोल इस मूवी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉमिक पार्ट है। इसके अलावा बाकी एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी काफी दमदार रहा। फुकरे 3 की राइटिंग भी काफी अच्छी की गई है, ये कहानी को जोड़कर रखती है। इसके अलावा अगर आपको कहीं इस मूवी में लगेगा कि कहानी डगमगा रही है, तो वहीं पर ऐसा कोई ट्विस्ट या टर्न आ जाएगा जिससे कि कहानी खुद ब खुद ट्रैक पर आ जाती है। साथ ही इस मूवी का म्यूजिक भी ठीक ठाक है और कहीं कहीं पर मूवी के पहले पार्ट का गाना अम्बरसरिया आपको सुकून देगा। वहीं इस मूवी के अगर हम पहले दो पार्ट की बात करें तो ये मूवी पहले के दोनों पार्ट के मुकाबले बैलेंस्ड है। हालांकि दर्शकों की तरफ से इस मूवी को लेकर काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि जब बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का कलेक्शन सामने आएगा तो ये मूवी अपने पहले दो पार्ट के मुकाबले कितनी कामयाब रहेगी। इसी तरह तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।